नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णन हुसैन और आज मैं एयरफोर्स फेस टू के बारे में और कुछ डिटेल्स दूंगा। मैंने पहले ही काफ़ी सारे वीडियो छोड़ चुका हूं जो एयरफोर्स रिलेटेड है। आप मेरे चैनल में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आप लोगों का जो एयरफोर्स फेस टू है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू होगा। तो मेरे एक पुराना वीडियो में अब अचानक से व्यूज़ बढ़ने लगे तो काफ़ी सारे कॉमेंट आए, उसमें काफ़ी सारे सब कैंडिडेट्स के डाउट है काफ़ी सारे। तो उन्हें मैं हर एक मैसेज में हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, तो फिर भी किसी का ना डाउट रहता है। तो मैं अब इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो फेज़ टू है उसके बारे में जो है एक लास्ट एंड फाइनल एक ब्रीफ दे दूंगा कि क्या है ये। तो जैसे कि आप सब जानती हैं कि इस बार जो है एयरफोर्स एक रूल निकाला है, उस हिसाब से मैंने एक नियम निकाला है, एक नियम में बदलाव किया है कि जो आपका फेज़ टू है ना, फेज़ टू में एक SRT टेस्ट होती थी, शायद इस बार होगी, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। पर अब अगली बार जो फॉर्म निकला है, जैसे 01/2024 इसका जो फॉर्म निकला है, इससे अब तो नहीं होगी, इतना कन्फर्म है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने खुद जब फेज़ टू क्लियर किया था, मैंने रिपोर्टिंग लगभग 4:30-5 या फिर उससे पहले किया था और मैं रात को 11 बजे निकला था और मुझे पता भी नहीं था कि अंदर में खाना मिलता है तो मैं पैसा ले जाना चाहिए। मुझे इतना ही पता था कि हाँ दोपहर तक या फिर शाम तक ख़त्म हो जाएगा, जितना भी प्रक्रिया है ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो लेके गया नहीं था वहाँ पर, तो सिर्फ एक बिस्कुट पैकेट और 2 केले लेके गए थे। अब मुझे क्या पता कि 19 घंटा ऐसे ही वहाँ पर रहना पड़ेगा, अब पता भी नहीं। और उसके अंदर में वैसा हर एक चीज़ का दाम भी उतना ही, एक एक बिस्कुट का 5 रुपया, जो 5 रुपया में 10 मिलता वो एक एक वहाँ पर 5-10 रुपया ले रहा था, ठीक है। तो इसलिए जिसका भी फेज़ टू है ना, वो खाना वाना अपने साथ लेके जाए, या फिर खाना अगर नहीं भी हो सके तो पैसा लेके जाए, वहाँ पर अंदर मिलता है, ठीक है। तो अब जो बात है कि तो SRT टेस्ट को हटाया गया इसलिए क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रही थी वो कंप्लीट प्रोसेस करने में, जो है ना वो सो काफ़ी लेट हो रही थी। मैंने जैसे कहा 11 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से, सुबह 4-5 बजे गए थे, रात को 11:30-10 बजे निकले थे। तो इसी को जो टाइम को है थोड़ा सा शाम के अंदर ख़त्म करने के, जैसे अगर SRT हट जाए ना तो कन्फर्म मैं कहता रहूँ कि 6 बजे लगभग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लगभग 6 बजे टाइम में ख़त्म हो जाएगी अगर SRT हट जाए तो। इसलिए अभी SRT को हटाया गया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अग्निवीर में 25% पहले लेते थे, अभी वो 50% कर दिया है। आगे जाके संभावना है कि वो परमानेंट कर दे हर किसी को, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि फॉर्म भरे या ना भरे, वो तो ज़रूर भरे। अब है उन लोगों के लिए जिसका फेज टू है। उससे पहले मैं बता दूं कि गुवाहाटी में जिसका फेज टू है ना, उसके लिए मैं बता दूं कि आप जब भी गुवाहाटी में उतरेंगे या फिर कामाख्या स्टेशन में उतरेंगे तो वहाँ से आप AZRA नाम के स्टेशन में जाए, ट्रेन पकड़ के 10 रुपया भाड़ा लेता है, लोकल ट्रेन मिलता है हर वक्त, वहाँ जाए। अजरा स्टेशन से आपकी जो एयरफोर्स सेंटर है वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में है, जो आप पैदल भी जा सकते हैं। आप अगर वहाँ पर टैक्सी करेंगे तो वो 1000 रुपया भाड़ा बोलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप अजरा स्टेशन जाए, 10 रुपया भाड़ा लेगा, कहीं से भी जा सकते हैं। अगर गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ेंगे तो गुवाहाटी से कमक्का, कमक्का से अजरा, ठीक है। तो ये गुवाहाटी वालों के लिए था। अब जो सबके लिए है वो मैं बता दूँ कि आपका जो रिपोर्टिंग है 4 से 5 AM के तरफ आप जब एंट्री लेंगे ना, तब आपका जो फेज़ टू का एडमिट कार्ड है वो देखा जाता है और जो आधार कार्ड है वो देखा जाता है। उसमें आपका जो नाम है, पापा का नाम, एड्रेस, वो सब मिलाया जाता है, बस इतना ही होता है। अब अंदर में जब जाते हैं ना तो आपको सभी को पता है कि एयरफोर्स जो फेज़ टू का एडमिट कार्ड है उसके साथ काफ़ी फॉर्म रहता है, कंसेंट फॉर्म, नो रिस्क सर्टिफिकेट और नो टैटू जिसका सर्टिफिकेट रहता है, तो ये सब वहाँ पर फिलअप करवाता है और जमा ले लेता है। और आपको वहाँ पर अपना नाम, आपका डोमिसाइल स्टेट कहाँ है या फिर आप कहाँ से अप्लाई किए, ये और आपको अपना साइन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, यहाँ पर लिख देता है, और आपको चेस्ट नंबर भी देता है रनिंग के लिए, ठीक है। अब वो जब आप रन, याद रखिएगा जो रनिंग के टाइम में आपका जब फेज़ टू होगा ना, उसमें आपका जो चेस्ट नंबर रहेगा वो अलग रहेगा और मेडिकल में जो चेस्ट नंबर रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि हर जगह लिखना पड़ता है अपना चेस्ट नंबर, याद रखिए। इस वीडियो में मैं तो मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इसके अगली जो वीडियो निकालूंगा उसमें कंप्लीट मैं मेडिकल के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आँख के बारे में बताऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फेज़ टू में अब ये होने के बाद आपको 1 by 1 करके जो है लाइन देना पड़ता है, बाहर बस रहती है जैसे आप सब पता ही है, तो बस में आपको लेके जाया जाता है। जैसे मेरे गुवाहाटी में बोलेंगे तो यहाँ लेके जाएगी आपको एयरपोर्ट में, ठीक है, एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ पर एयरफोर्स का सेंटर है, सीधी रोड रहती है, 7 मिनट का वक्त मिलती है, वार्म अप कर लेना वहीं पर, ऐसा मत कि बिना वार्म अप के दौड़ दिए, थक जाओगे। और काफ़ी लड़कों को मैंने देखा था कि जब स्टार्ट हुआ ना
पहले ही 400 मीटर तक पूरा स्पीड में भागे, फिर एकदम टना गए पीछे, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, ऊंचा रहे नीचा रहे उसमें माथा मत घमाइए, अपना स्टेप बाय स्टेप दौड़ते रहिए, ठीक है। 6.5 मिनट 6 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। मैंने ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं की थी, सच बोलूँ तो मैं सिर्फ 5 से 6 दिन प्रैक्टिस किया था, लेकिन 2 टाइम करता था सुबह शाम। मैं फिर भी 5 सीधा रोड थी, इसलिए 5:57 के अंदर अंदर 1600 मेरा कंप्लीट हो गया था सिर्फ 5 दिन प्रिपरेशन करके। तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि एक लड़का कमेंट किया था कि उसका 8 मिनट आ रहा क्या करे, तो अगर देख रहे हो भाई तो तुम्हारे लिए है ये, ठीक है। तो अब रनिंग होने के बाद आपका जो है पुशअप होगा, और पुशअप में काफ़ी जन कमेंट कर रहे हैं पुशअप में होल्ड करवाते हैं, तो हाँ करवाते हैं। अब डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर कि कहाँ कितना करवाते हैं, लेकिन 2 से 3 सेकंड ये होगी, ठीक है। पुशअप के बाद आपका स्क्वाट होगी। स्क्वाट में सीधे ऐसे हाथ सीधी रख के बैठना पड़ता है, और अच्छा से बैठिएगा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बैठेंगे, ठीक है। वो आपको वार्म करेंगे अगर आप गलत करेंगे तो। सिटअप हो गया। अब आपका जो लेट के जो सिटअप मारना पड़ता है, वो पैर एकदम स्ट्रेट रखिएगा, कोर टाइट होना चाहिए, ठीक है। अब सिटअप ये सब हो जाने के बाद जो लोग वहाँ से आपके छड़े आते हैं उसको सेंटर लेके जाते हैं, फिर कुछ प्रक्रिया करते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। अब जो लोग पास हो जाएगा उसको जो आपका माध्यमिक माने क्लास 10 क्लास 12, जैसे मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ तो मेरा सर्टिफिकेट रहता है, तो काफ़ी बोर्ड का शायद नहीं रहता, क्योंकि मेरे टाइम में देखा था काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि नहीं है। तो अगर जितना आपका एडुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सब आप ओरिजिनल सब वो जब्त कर लेते हैं, वो लोग मैंने रख लेते हैं अपने पास, वो आपको आखिरी में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म वॉर्म फिलअप कर रहा है, फिर से आप लोग अब एक हॉल बड़े से हॉल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर लगभग जितने देर तक रहेंगे इतना सारा फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप थक जाएंगे, इसलिए ध्यान से भरना, जहाँ जो साइन करना है वहीं करना, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में एक बार गलत कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी गलती से बचे, ठीक है। अब जब सुन तो रहे हैं कि SRT नहीं होगा, अगर SRT हुआ भी तो मैं कह दूं कि 45 के 45 अटेम्प्ट कर देना, सही हो गलत हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट का जो 5 का रीजनिंग रहता है ना, 40+5 45, तो लास्ट का जो 5 का रीजनिंग रहता है वो सही करना, बाकी 40 में आप कुछ भी करो लेकिन कंप्लीट करो भाई, 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। मन से पूछो कि हाँ ये होना चाहिए, मैं अगर एज अ गुड सिटीजन मैं क्या करूँ, तो ये अगर करना चाहिए तो भाई टिक मार दो, ठीक है। वहाँ पर अपना एटीट्यूड को साइड में रख के करना पड़ता है कि नहीं मैं तो मारूंगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल बिहेवियर रखना पड़ता है। गांधीवादी मोटिव से वहाँ पर टिक कीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है SRT होने के बाद जितना जन को रखना है रखेंगे, फिर जितना जन आउट हो उस आउट कर देंगे। अब ग्रुप डिस्कशन चालू है, ग्रुप करेंगे। 15 का ग्रुप होता है, सेमी सर्कल में बैठा जाता है, 2 जन रहता है, 1 बाय 1 करके एक एक ग्रुप अलग अलग तरफ जाके करते हैं। अब वो जो एयरफोर्स के कैंडिडेट्स है, मैंने कैंडिडेट से बोल रहे जो ऑफिसर है, वो एक पैराग्राफ को रीडिंग हेडलाइन पढ़ते हैं कि देखियो आपके बारे में ये है, जैसे किसी का कोरोना वायरस है तो पढ़ देंगे कि तुम्हारा टॉपिक कोरोना वायरस है, हम लोगों का टॉपिक था डिजिटल इकोनॉमी, तो वैसे पढ़ देंगे। फिर एक बार रीडिंग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वो दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, एक बार रीडिंग पढ़ेंगे। अब वो सुन के आपको लिखना है, लिख के जमा दे देना है, ठीक है। अब आपको 1 बाय 1 करके इंट्रोडक्शन भी देना है, और उसके बारे में बोलना है, ज़्यादा झमेला वमला मत कर लेना किसी से कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो तुम सही बोल रहे हो, खुद का जो व्यू है वो रखना, बस बात खत्म। आप बोलोगे कि मुझे तो उतना बोलना आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलने मुझे भी ज़्यादा नहीं आता था, जितना हो सके उतना बोलिएगा, लेकिन राइटिंग स्किल आपका बेहतर होना चाहिए। मैंने पेज भर दिया था लिख के, ठीक है। तो इसलिए जब वो लिखने बोलेंगे ना, तो लिखना में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बोलना पर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप राइटिंग स्किल सही है ना, तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बस यही है, काफ़ी स्पीड में मैंने बोला, आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, और ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड जय हिंद। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल के बारे में।